हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज मोबाइल। दोस्तों मेरा नाम राज और ये मेरे पास है सैमसंग का गुरु 1200 मॉडल। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी लगाते डायरेक्टली टॉर्च ऑन हो जाती है और सेट को ऑन करो तो सेट ऑन नहीं होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ तो हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी लगाते समय ये देखो टॉर्च ऑन हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम जो ऊपर की जाली लगी है इसको हम हटा देते हैं और इसके नीचे जो आईसियां हैं उस पर हम चेक करते हैं, यहीं से दोस्तों प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम काम शुरू करते हैं। इस तरह की दोस्तों प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आती है। मैं मल्टीमीटर से पहले आपको चेक करके बता देता हूँ। चलिए मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की सबसे पहले दोस्तों हम सप्लाई को चेक करेंगे। ये यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे दोस्तों आईसी के बगल में ये कोइल होती है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कोइल तो ओके है मगर ये ओके होने के भी बावजूद प्रॉब्लम इसी आईसी से आती है, इसी कोइल से आती है, क्योंकि नीचे से जो इसके प्रिंट होते हैं वो अटैच नहीं हो पाते हैं। ऊपर से दोस्तों ये ओके दिखा रही है कोइल, और वैसे हम ग्राउंड से ला के एक सिरे को ग्राउंड पर रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ देखो फिर तो यहाँ पे सप्लाई ओके है और यहाँ पे ग्राउंड पर रख के यहाँ पे कुछ भी सोने करा रही है सप्लाई, यानी हमारी ये कोइल नीचे से ब्रेक है, इसके प्रिंट आपसी में अटैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, मैंने इसको रिमूव कर लिया है। तो रिमूव करने के बाद इसको हम आयरन से आपसी में सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे या दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपसी में इसको सोल्ड कर दिया है। और बैटरी को दोस्तों चेक करते हैं बैटरी लगा कर। ये देखो यहाँ पे हमारी जो टॉर्च की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब सेट को ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, हमारा सेट भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों इसी तरह से ठीक करनी है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की दोस्तों मैं सॉल्यूशन लाता रहूँगा, स्टेप बाई स्टेप दोस्तों आपको बताता रहूँगा।